हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ AMD सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पर फाइनमेट के बारे में। और दोस्तों, जिन कैंडिडेट के यहाँ पर फाइनमेट से सिलेक्शन हुआ था, वे सभी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं यहाँ पर फाइनमेट का। तो दोस्तों, इस वीडियो में फाइनमेट कब तक जारी की जाएगी और क्या यहाँ पर AMD सिक्योरिटी गार्ड में वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, दोस्तों कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। और दोस्तों, इसी के साथ साथ बता दूँ, जिन कैंडिडेट का यहाँ पर फाइनमेट से सिलेक्शन हुआ था, उन कैंडिडेट का यहाँ पर डॉक ऑन वेकेशन, पुलिस वेकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब सिर्फ इंतजार है यहाँ पर फाइनल मेट का। तो दोस्तों, फाइनल मेट से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं, जो भी कमेंट आ रहे हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि यहाँ पर फाइनल मेट कब तक जारी की जाएगी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की। और दोस्तों, इसी के साथ साथ जो कैंडिडेट AMD सिक्योरिटी गार्ड में वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी दोस्तों गुड न्यूज़ है। वेटिंग लिस्ट रिलेटेड दोस्तों, वेटिंग लिस्ट का क्या प्रोसेस है यहाँ पर रहने वाला, कितने कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा, तमाम जानकारी देने वाला हूँ फाइनल मेरिट से रिलेटेड और वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को कम्प्लीट देखें। जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पर फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक बात करने वाला हूँ, फाइनल मेरिट के ऊपर और वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले, चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आप फाइनल मेट की। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही हुआ कि यहाँ AMD सिक्योरिटी गार्ड में जो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई थी, 274 वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई थी। और दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पर फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ, और एग्ज़ाम यहाँ पर पोस्टपोन करना पड़ा काफ़ी रीजंस की वजह से, कैंसिल भी हुए, और उसके बाद यहाँ पर री एग्ज़ाम भी यहाँ पर कंडक्ट करवाए, उसके बाद यहाँ पर फाइनल मेरिट आउट हुई। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट का यहाँ पर फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हुआ था AMD सिक्योरिटी गार्ड में, उन सभी कैंडिडेट का यहाँ पर डॉक्टर वेकेशन और पुलिस वेकेशन यहाँ पर कम्प्लीट हो गए हैं। अब सिर्फ इंतजार है यहाँ पर फाइनल मेरिट का। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फाइनल मेट इस महीने नहीं आने वाली है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर AMD सिक्योरिटी गार्ड में फाइनल मेट का वेट कर रहे हैं, उनको मैं बता दूँ, यहाँ फाइनल मेट जो यहाँ पर लगने वाली है 78+ मार्क्स पे यहाँ पर लगने वाली है। जिन कैंडिडेट के यहाँ पर 78+ मार्क्स होंगे, उन कैंडिडेट का यहाँ पर फाइनल मेट में सिलेक्शन होने वाला है। और दोस्तों, ये जो फाइनल मेट लगेगी आपकी यहाँ पर नेक्स्ट मंथ यहाँ पर जारी की जाएगी। इस महीने किसी की भी यहाँ पर फाइनल मेट नहीं लगने वाली है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, OBC हो, चाहे आप यहाँ पर कोई सी कैटेगरी हो। तो दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप यहाँ पर 75 या 76 या 78 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप यहाँ पर AMD सिक्योरिटी गार्ड की जो फाइनल मेट लगेगी, उसमें आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और दोस्तों, जो फाइनल सिलेक्शन हो गया, जो मेट लगेगी फाइनल की, आपकी यहाँ पर नेक्स्ट मंथ यहाँ पर जारी की जाएगी। दोस्तों, ऑफिशियली इसकी यहाँ पर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि यहाँ पर फाइनल मेट कब तक जारी हो सकती है, पर दोस्तों एक्सपेक्टेड डेट है कि यहाँ पर जो फाइनल मेट है आपकी यहाँ पर नेक्स्ट मंथ यहाँ पर जारी की जाएगी। और दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर वेटिंग लिस्ट की। तो दोस्तों, वेटिंग लिस्ट के लिए जो कैंडिडेट हम वेट कर रहे हैं, उनको मैं बता दूँ, वेटिंग लिस्ट लगती है हमेशा यहाँ पर जॉइनिंग कम्प्लीट होने के बाद। अभी दोस्तों, यहाँ पर फाइनल मेट आउट होगी सिक्योरिटी गार्ड में, उसके बाद जॉइनिंग लेटर आएंगे, जॉइनिंग होगी, उसके बाद यहाँ पर वेटिंग लिस्ट को जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, वेटिंग लिस्ट के लिए कम से कम आपको यहाँ पर 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं बता दूं, जो वेटिंग लिस्ट की यहाँ पर लिस्ट कोई नहीं आने वाली है, कोई भी कैंडिडेट यहाँ घबराए नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के यहाँ पर मेल या फिर मैसेज आएगा जिन कैंडिडेट के यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होगा। PDF कोई नहीं आएगी, वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर जारी नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पर प्रोसेस रहेगा वेटिंग लिस्ट का। वेटिंग लिस्ट में उन्हीं कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है। फाइनल मेरिट से नीचे जो कट ऑफ जाएगी, उन कैंडिडेट के यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन दिया जाएगा। और दोस्तों, PDF कोई नहीं आने वाली है, कितने कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया इसकी यहाँ पर कोई जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि दोस्तों PDF नहीं आती है। अब जितनी भी भर्ती होती है, जिन भर्तियों यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में आती है, तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट का जो यहाँ प्रोसेस रहता है, ये रहता है कि यहाँ पर कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आती, सिर्फ नाम रहता है, कोई PDF नहीं आती है। तो दोस्तों, मान के चलो जिस तरह से यहाँ पर रिजल्ट नहीं आता, पर दोस्तों सिलेक्शन होने का जो मैसेज या फिर मेल आता है, सेम वैसे यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में आप प्रोसेस रहता है। काफ़ी भर्तियों में यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आई है, पर दोस्तों की यहाँ पर कोई PDF नहीं आई, ना ही कोई रिजल्ट टाइप का आया। पर दोस्तों, जिन कैंडिडेट के यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होता है, उन कैंडिडेट के पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेल आता है,
उनको बताया जाता है कि आप यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है। तो दोस्तों सेम प्रोसेस यहाँ पर एएमडी में भी यहाँ पर रहने वाला है। जिन कैंडिडेट यहाँ पर एएमडी सिक्योरिटी गार्ड में वेटिंग लिस्ट आएगी तो उन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, जो भी लड़का हो फिर लड़की हो, जिन कैंडिडेट का यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होगा ना, उन कैंडिडेट के पास यहाँ पर मेल आने वाले हैं, उनको बताया जाएगा, उनको यहाँ डॉक्यूमेंट वैकेशन के लिए लेटर भेजे जाएंगे। दोस्तों वो भी मेल पर ही यहाँ पर आने वाले हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के लिए कम से कम आपको 2 महीने का वेट करना पड़ेगा। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है वेटिंग लिस्ट के बारे में, तो सबसे पहले आपको इस टाइम पर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और जो कैंडिडेट एएमडी सिक्योरिटी गार्ड में फाइनल मेट का इंतजार कर रहे हैं, उनको आपको कम से कम 15 या 20 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट मंथ ही आपको एएमडी सिक्योरिटी गार्ड में फाइनल मेट जारी की जाएगी। इस महीने फाइनल मेट नहीं आने वाली है। और रही बात दोस्तों यहाँ पर वेटिंग लिस्ट की, तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट आने वाली है 2 महीने बाद। तो दोस्तों फरवरी 2024 की फरवरी में आपको यहाँ पर एएमडी सिक्योरिटी गार्ड में यहाँ पर वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों कोई भी यहाँ कैंडिडेट टेंशन ना ले, एएमडी सिक्योरिटी गार्ड की फाइनल मेड या फिर वेटिंग लिस्ट रिलेटेड कोई डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन जाएगी, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो लाइक कर देना,